आज हम स्टडी करेंगे पुली सिस्टम के बारे में। और अगर इसमें हम वर्ड पुली की बात करें कि किसे कहा जाता है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक गोल दायरा सा जो मौजूद है, जो हम कहते हैं कि एक पहिए की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। इसके ऊपर से ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हम रस्सी को या चेन को गुजार सकते हैं। तो ये क्या है? पुली। जब हम पुली सिस्टम की बात करते हैं, तो पुली सिस्टम में हम देख रहे हैं कि दो तरह की पुलीज इस्तेमाल हो रही हैं, एक जिसे कहा जाता है फिक्स्ड पुली और दूसरी मूवेबल पुली। अब ये जो फिक्स पुली है, इसे हम देख रहे हैं। फिक्स पुली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हमने फिक्स किया हुआ है, यानी कि हमने इसे अटैच किया हुआ है, जुड़ा हुआ है किसी ख़ास सपोर्ट के साथ। इस वजह से ये जो पुली है, ये हरकत नहीं कर पाती, मतलब ये अपनी जगह से नहीं हिल सकती। इसी तरह से अगर हम मूवेबल पुली की बात करें, तो मूवेबल पुली, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूवेबल पुली, अगर हम इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हैं, तो ये पुली ऊपर की तरफ मूव करेगी। यानी वो पुली जो मूव कर सकती है, अपनी जगह चेंज कर सकती है, हरकत कर सकती है, उसे कहा जाता है मूवेबल पुली। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम में देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि एक है मूवेबल पुली और जो दूसरी पुली है उसे कहा जाएगा फिक्स पुली। अब हम देख रहे हैं कि जो मूवेबल पुली है, उसके साथ हमने अटैच किया हुआ है लोड, यानी कि वज़न। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके साथ अटैच है वज़न, और ये है रोप, यानी कि रस्सी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जब मूवेबल पुली की बात करते हैं कि इसे हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब मूवेबल पुली इस्तेमाल की जाती है, तो उससे ज़्यादा वज़न को कम ताकत के ज़रिए से उठाया जा सकता है। यानी कि हम फोर्स कम लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को ऊपर उठा सकते हैं। ये वाला जो एंड है, इसके साथ हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर हम लगाते हैं फोर्स, या फिर हम कहते हैं कि ताकत। इसी तरह से अगर हम बात करें, तो ये जो फिक्स पुली है, इसके काम की बात की जाए कि फिक्स पुली क्यों इस्तेमाल की जाती है, तो हम देखते हैं कि इसके ज़रिए से एफर्ट लगाना, यानी कि फोर्स लगाना जो है, वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिक्स पुली के ऊपर से जो रोप, जो रस्सी गुजर के आ रही है, उस एंड के ऊपर हम ताकत लगाते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाना आसान हो जाता है। और ये जो मूवेबल पुली है, इसके ज़रिए से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड को, ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को उठा सकते हैं। तो अब अगर हम पुली सिस्टम की बात करें, तो हम देखते हैं कि इसी तरह से जब हम और ज़्यादा पुलीज ऐड करते हैं इस सिस्टम में, तो उसकी वजह से कम ताकत लगाते हुए हम क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं, अफेक्टिवनेस। यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा वज़नी चीज़ें उठानी होती हैं, तो फिर इस तरह से एक पुली सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें फिक्स पुली के साथ हम अटैच करते हैं, यानी उसके साथ जोड़ते हैं मूवेबल पुली को। और वज़न हमारा किसके साथ अटैच होता है? वज़न हमारा अटैच होता है मूवेबल पुली के साथ। और यहाँ से हम इसको, रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे, तो वज़न क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है, जिसमें हम देख रहे हैं फिक्स पुली और फिक्स के साथ मूवेबल पुली इस तरह से अटैच की हो, इसे कहा जाता है पुली सिस्टम, जो कि आज हमने स्टडी किया।